अगर आप हल्के फुल्के बुखार में भी पैरासिटामोल खा लेते हैं, पेट में गैस होने पर पेंडी खाते हैं, या फिर हड्डियों की मजबूती के लिए शैल कैल जैसी कॉमन दवा डॉक्टर की सलाह के बिना खा लेते हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि भारत के ड्रग रेगुलेटर ने कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज पिल्स और हाई ब्लड प्रेशर दवाओं सहित 53 ड्रग को क्वालिटी टेस्ट में फेल करार दिया है। इनमें कई नामी कंपनियों की दवाएं भी शामिल है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने 50 से ज्यादा दवाइयों को खराब क्वालिटी का पाया है। CDSCO की हर महीने होने वाली रैंडम सैंपलिंग में ये दवाएं खराब पाई गई हैं। एक और जहां भारत दुनिया में ड्रग कैपिटल बनने की ओर बढ़ रहा है, वहीं भारतीय दवाओं का इतने बड़े पैमाने पर खराब पाया जाना चिंता में डालता है। जो दवाएं सैंपल में फेल हुई हैं, वो बहुत ही ज्यादा साधारण बीमारी में इस्तेमाल की जाती हैं और इनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर लोग करते हैं। आइए जान लेते हैं कि किन दवाओं को सैंपल में फेल पाया गया है, उसमें कौन कौन सी दवाएं शामिल हैं। बता दें कि CDSCO की ये मंथली प्रैक्टिस है, इसमें हर महीने नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी अलर्ट लिस्ट जारी की जाती है। स्टेट ड्रग अफसर हर महीने रैंडम सैंपलिंग करते हैं और उसी के आधार पर NSQ अलर्ट जारी किया जाता है। इस बार जो दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई हैं, उसमें विटामिन सी और D3 की गोलियां, शैलकाल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी सॉफ्ट जेल, एंटासिड, पैंडी, पैरासिटामोल टैबलेट IP 500 mg, डायबिटीज की दवाई ग्लिमिप्राइड और हाई ब्लड प्रेशर की दवा टेलमीसार्टन जैसी कई प्रसिद्ध दवाएं शामिल हैं। यहाँ आप ये समझने की गलती मत करना कि ये सभी दवाएं खराब हैं, ये सभी जेनेरिक दवाएं हैं जिन्हें कई दवा निर्माता बनाते हैं। ड्रग रेगुलेटर ने कुछ खास दवा निर्माताओं द्वारा निर्मित इन दवाओं के कॉम्बिनेशन को घटिया स्तर का बताया है। टेस्ट में फेल हुई दवाओं में हेटेरो ड्रग, एल्केम लेबोरेटरीज, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, कर्नाटका एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, मेग लाइफ साइंसेस, प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर और कंपनियों की ओर से बनाई गई दवाएं शामिल है। अब टेस्ट में फेल हुई कुछ आम दवाओं और उनके निर्माताओं के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पेट के संक्रमण के इलाज को लेकर इस्तेमाल की जाने वाली दवा मेट्रोनिडाजोल की क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई है। इसे सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एंटीबायोटिक बनाती है। हाई ब्लड प्रेशर की दवा टेलमीसार्टन भी टेस्ट में पास नहीं कर पाई है। उत्तराखंड की प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर से निर्मित शैलकाल भी टेस्ट में फेल हो गई है। इसके अलावा कोलकाता की एक ड्रग टेस्टिंग लैब ने एल्केम हेल्थ साइंस के एंटीबायोटिक्स क्लेम वम 625 और पेन डी को नकली बताया है। इसी लैब ने हैदराबाद स्थित हेटेरो के सेपोडेम XP50 ड्राई सस्पेंशन को घटिया स्तर का पाया है। ये दवा बच्चों को गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण के लिए दी जाती है। इसके अलावा कर्नाटका एंटीबायोटिक्स की पैरासिटामोल टैबलेट को भी क्वालिटी टेस्ट में फेल बताया गया। भारत के ड्रग कंट्रोलर ने क्वालिटी टेस्ट में फेल होने वाली दवाओं की दो लिस्ट जारी की। एक लिस्ट 48 प्रसिद्ध दवाओं की जारी की गई, जबकि दूसरी में 5 और दवाओं के साथ साथ टेस्ट में फेल होने वाली दवा कंपनियों के जवाब भी हैं। हालांकि कंपनियों ने अपने जवाब में दवाओं की जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हुए कहा कि वो नकली हैं। दवा निर्माताओं के जवाब वाले कॉलम में लिखा गया कि वास्तविक निर्माताओं ने बताया कि प्रोडक्ट का ये बैच उनके यहां से तैयार नहीं किया गया और ये दवा नकली है। अगर दवा निर्माताओं का ये दावा सही है तो ये और भी ज्यादा घातक है, क्योंकि भारत में मशहूर दवा कंपनियों के नाम पर चल रहा फर्जीवाड़ा भी बहुत आम है। हाल ही में तेलंगाना में दवाओं के लाखों सैंपल नकली पाए गए, जिसमें सिर्फ चौक या चूना ही पाया गया। इससे पहले अगस्त में CDSCO ने भारतीय बाजार में 156 से ज्यादा फिक्स्ड डोज दवा कॉम्बिनेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसमें कहा गया था कि लोगों के लिए जोखिम भरे हैं। इन दवाओं में बुखार, दर्द निवारक और एलर्जी की गोलियां शामिल हैं। तो अगर आप भी ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। दवा खरीदें तो कहीं अच्छी जगह से खरीदें, अच्छी कंपनी की खरीदें और जांच परख कर ही खरीदें। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए Money9। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है Money9। आजादी पैसे की, अभी डाउनलोड करें।